शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं, तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी भला, रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ना जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी, आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई तुम, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं। और फिर रात होने पर, बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला, आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। फिर नीलू कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, चलो घर चलती हूँ, अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे अरे ये क्या, कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है,
मुझे सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना, उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं, तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सबकी नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये नाक मीठी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने इसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नाज मीठी नीलू, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना इस झूले की तरफ नहीं जाना, एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई, अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया, अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गाँव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, क्या हुआ, इतनी रात गए कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं। नीलू अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया, तूने हम गाँव वालों को बहुत परेशान किया है, तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना, बता रहे हैं भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। ए गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे, गाँव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गाँव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।